नमस्कार दोस्तों। तो घटनाचक्र का जो हम लोग क्विज वाला डिस्कशन कर रहे हैं उसमें चर्चित व्यक्ति का पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। और सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पर कि 1 नवंबर 2023 को कौन भेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD नियुक्त हुए हैं। तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति नाम है इनका, कोप्पू सदाशिव मूर्ति 1 नवंबर 2023 को भेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त हुए हैं। कार्यकाल इनका 28 फरवरी 2027 तक अथवा अगले आदेश तक जो भी रहे, पहले वो तब तक रहेगा इनका। स्थान लिया है किसका, डॉक्टर नलिन सिंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 को किसे WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो डॉक्टर साइमा वाजेद नाम है इनका, साइमा वाजेद याद रखिएगा, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं और WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक रूप में नामित हुए हैं। 1 फरवरी 2024 को पदभार ग्रहण करेंगी और इस पद पर वह डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह का स्थान लेंगी। वर्तमान में डॉक्टर डेट्रोस अघानोग घेब्रे यसस नाम है, WHO के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर डेट्रोस के नाम से बस इन्हें याद रखिएगा, डेट्रोस। क्वेश्चन दिया, पहले आया हुआ क्वेश्चन दिए। अक्टूबर 2023 में किस भारतीय को WHO द्वारा तपेदिक टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह STAG स्टेज के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, सारंग देव, प्रोफेसर सारंग देव को। प्रोफेसर सारंग देव के बारे में जान लीजिए कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में संकाय और अनुसंधान के उप डीन तथा मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक हैं। चर्चा में है कि WHO द्वारा टीबी के रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह स्टेज के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। 31 अक्टूबर 2023 को किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो ये रघुवर दास है इनका नाम। वरिष्ठ भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 31 अक्टूबर 2023 को ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ भी ग्रहण किए हैं। ये जो स्थान ले रहे हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो अरिंदम जो है बागची नाम है इनका, बागची से याद रखिएगा। अरिंदम बागची के बारे में जानिए कि भारतीय विदेश सेवा IFS के वरिष्ठ अधिकारी हैं। चर्चा में इसलिए आए कि 16 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव तथा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। अक्टूबर 2023 में डेनियल नोबोवा जो है किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो इक्वाडोर के हैं, डेनियल नोबोवा। डेनियल नोबोवा के बारे में जानिए, 15 अक्टूबर 2023 को इक्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, वह देश के सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 25 अक्टूबर 2023 को स्थान लेंगे गुइलेर्मो लेसो का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है। अब इनके बारे में जानिए कि यह पूर्व सूचना आयुक्त थे, तो ये गलत है स्टेटमेंट, पूछा कौन सा सही है। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। आइए इनके बारे में जानते हैं, मनोहर जी के बारे में। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल ये देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। यहाँ पर दिया है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो सही हो जाता। चर्चा में क्यों है कि 15 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया है। वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक देश के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये। 2004 से 16 तक राज्यसभा सदस्य पंजाब से रहे हैं। 2009 से 2011 तक वह केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री तथा जनवरी 2011 से जुलाई 2011 तक केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री भी थे। उन्हें 2000 में वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, तो न्यूजीलैंड के, क्रिस्टोफर लक्सन नाम है इनका, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के नेता तथा कारोबारी है ये, बिजनेसमैन है। चर्चा में है कि अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। 14 अक्टूबर 2023 को क्रिस हिपकिंस का स्थान लेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के अध्यक्ष पुनः चुने गए हैं। AIBD की स्थापना पूछ रहा है कब हुआ है, तो 1977 में हुआ है। गौरव द्विवेदी के बारे में जान लीजिए, AIBD के अध्यक्ष और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और चर्चा में है कि 2 से 4 अक्टूबर 2023 के मध्य पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित AIBD के 21वें आम सम्मेलन में इनके इसके अध्यक्ष चुने गए हैं ये। और इस प्रकार भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए AIBD का अध्यक्ष भी चुना गया है। और इससे पूर्व भारत 2018 से 21 और 2021 से 23 तक अध्यक्ष रहा भी है। कुछ AIBD के बारे में जीके हैं, या यूनेस्को के तत्वाधान में वर्ष 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य हैं और 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व बात करें 48 प्रसारक प्राधिकरण ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं, और प्रसारक
44 सहयोगी संगठन करते हैं। इस इनमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राष्ट्रों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 अक्टूबर 2023 को किसने लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो SN सुब्रमण्यम नाम है इनका। 1 अक्टूबर 2023 को लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, किसका स्थान लेंगे? AN नाइक का स्थान लेंगे। और इससे पूर्व वह इस कंपनी के प्रबंधन निदेशक MD थे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये फेमस भी क्वेश्चन है, मालदीव के हैं। मोहम्मद मुइज्जू के बारे में जानिए कि पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC के नेता हैं। 30 सितंबर 2023 को मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 17 नवंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया है, स्थान लिया है या इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का। मालदीव के बारे में जान लीजिए, माले इसकी राजधानी है और मालदीवियन रुपिया जो है, रुपिया वो जो है इसकी मुद्रा है, रुपिया नहीं है, रुपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 सितंबर 2023 को किसने सीमा सड़क संगठन ब्रो BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन नाम उनका। 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन के 28वें जो है महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। इससे पहले वह पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के कमांडेंट के पद पर नियुक्त थे और स्थान किसका ले रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान लेंगे ये। तो रघु श्रीनिवासन जो है राजीव का स्थान ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 सितंबर 2023 को कौन देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो KN शांत कुमार नाम है इनका। KN शांत कुमार के बारे में जानते हैं कि 29 सितंबर 2023 को देश के प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI जिसे बोलते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और वह दूसरी बार इस पद पर चुने गए हैं। और इससे पूर्व वह 2013 से 2014 तक थे और कार्यकाल इनका 1 वर्ष, और वह जो है द प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के भी निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध किसी वैज्ञानिक और भारत में, देखिए ये 28 सितंबर का खबर है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं सोचे कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बना था अभी। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध किसी वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनके सम्मान में क्वेश्चन जरूर बनना बनेगा, मतलब बना भी है, अभी आपका आरोप हुआ है तो उसमें बना भी है, हो सकता है आगामी जो PCS का एग्जाम है उसमें जरूर बने, हो सकता है इनके इनके सम्मान में जरूर बनेगा, शायद ज्यादा चांसेज है। तो केवल यहाँ पर पहला सही है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं, प्रसिद्ध किसी वैज्ञानिक एवं भारत के हरित क्रांति के जनक हैं और चर्चा में क्यों है, 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया, 98 वर्ष के थे ये। उन्होंने वर्ष 1960 से 70 के दशक में देश को किसी उपज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक थे। वह वर्ष 1982 से 1988 तक फिलीपींस के लास बनोस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के महानिदेशक थे। उन्हें वर्ष 1967 में पद्मश्री, वर्ष 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 1972 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वर्ष 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा वह वर्ष 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 सितंबर 2023 को किसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक भसीन नाम है इनका। विवेक भसीन के बारे में जानिए, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है, चर्चा में क्यों है, 15 सितंबर 2023 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BAR के बार के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? विवेक भसीन नाम है इनका, बार के नए निदेशक है। बार्क के न्यूक्लियर फ्यूज ग्रुप के निदेशक भी थे ये। और बार्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। स्थापना की बात करें, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1954 में की गई थी। मुख्यालय ट्रांबे मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 सितंबर 2023 को सर माइकल जॉन गैम्बोन का निधन हो गया है। पूछ रहा है कि ये क्या थे, अभिनेता थे। सर माइकल जॉन गैम्बोन प्रसिद्ध आयरिश ब्रिटिश अभिनेता है। 27 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। उन्हें हैरी पॉटर की 8 फिल्मों में से 6 में प्रोफेसर अल्बस डम्बल डोर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। आप हैरी पॉटर देखे भी होंगे। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लॉरेंस ओलिवियर के साथ रॉयल नेशनल थिएटर के मूल सदस्य के रूप में की थी। लगभग 6 दशक लंबे करियर में उन्हें 3 ओलिवियर अवार्ड, 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और 4 BAFTA अवार्ड मिल चुके हैं। 1998 में उन्हें नाटक ड्रामा में सेवाओं के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा, ये भी फेमस क्वेश्चन है और आप पहले भी सुने भी होंगे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है।
तो ये गलत हो जाता है। पहली महिला है ये, यहाँ पर केवल पहला सही है। जया वर्मा सिन्हा के बारे में जानते हैं कि 1988 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS की वरिष्ठ अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों है कि 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2023 को रमेश कुंतल मेघ का निधन हो गया है, तो पूछ रहा है वो क्या थे? साहित्यकार थे। रमेश कुंतल मेघ वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक भी थे। 1 सितंबर 2023 को निधन हुआ है। उनका जन्म 1 जून 1931 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी आलोचनात्मक साहित्य साधना की शुरुआत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी से की थी। उन्हें वर्ष 2017 में उनकी साहित्यिक समालोचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो मनीष देसाई नाम है। मनीष देसाई के बारे में जानिए कि भारतीय सूचना सेवा के वर्ष 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों है कि 1 सितंबर 2023 को पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इससे पूर्व वह केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आर माधवन। आर माधवन के बारे में जानिए कि प्रसिद्ध अभिनेता भारतीय अभिनेता भी हैं। और चर्चा में क्यों है 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? साथ ही वह FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया है। सितंबर 2023 में कौन नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं? नैसकॉम के नए अध्यक्ष राजेश नाम्बियार नाम है इनका। इनके बारे में जानिए, कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक और नैसकॉम के उपाध्यक्ष भी थे। चर्चा में क्यों है सितंबर 2023 में 2023-24 के लिए नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं और स्थान किसका ले रहे हैं? अनंत महेश्वरी का स्थान ले रहे हैं। नैसकॉम का फुल फॉर्म जानते रहिए कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। फुल फॉर्म पूछ सकता है नैसकॉम, नेशनल है, एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर है और सर्विसेज कंपनीज है। सितंबर 2023 में सातो किलमैन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सातो किलमैन इनका नाम है और वनुआतू के बने हैं। सातो किलमैन की बात करें तो पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। चर्चा में इसलिए है कि वनुआतू के प्रधानमंत्री बने हैं या 5वीं बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को किस देश की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया गया। शक्तिकांत दास जी को मिला है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। और सितंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान भी दिया गया है। उन्हें ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंकिंग बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग से दी गई है। सितंबर 2023 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो ये फेमस भी है, रूबियो, फ्रैंक रूबियो नाम है इनका। इनके बारे में जान लीजिए कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के अंतरिक्ष यात्री हैं। सितंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने हैं। 371 दिन बिताए हैं इनका रिकॉर्ड है। 2022 में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे ये, और यह रिकॉर्ड मार्क वंदे देई का के नाम था पहले, 355 दिन वो बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकी विद CR राव का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में सम्मानित किया गया था CR राव। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकी विद है। 22 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क में निधन हुआ है। उन्हें वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से तथा 2002 में US नेशनल मेडल ऑफ साइंसेज से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2023 में उन्हें सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगस्त 2023 में हुन मैनेट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हुन मैनेट को किस देश का नियुक्त किया गया है? तो कंबोडिया। हुन मैनेट के बारे में जान लीजिए कि कंबोडियाई नरेश नोरोडोम सिहा मोनी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। 22 अगस्त 2023 को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने अपने पिता हुन सेन का स्थान लिया है। कंबोडिया के बारे में जानिए, दक्षिण एशियाई देश है और नोम पेन जो है इसकी राजधानी है। कंबोडियन रियाल जो है इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगस्त 2023 में कौन पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवर उल हक करार काकर नाम है इनका। अनवर उल हक काकर के बारे में जानते हैं, 14 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, और शहबाज शरीफ का स्थान लिए हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर जो है स्टीवन फिन के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? 14 अगस्त 2023 को स्टीवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी कि तो ये सही है। उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 2010 से 2020 तक रहा है, तो ये गलत है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 36 टेस्ट, 69 एक दिवसीय और 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अपने करियर में फिन ने तीनों प्रारूपों में कुल जो है 254 विकेट लिए हैं। तो स्टीवन फिन के बारे में जानिए कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये।
सबसे पहले आप यही जानते रहिए। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है 14 अगस्त 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय करियर 2010 से 2017 तक था इनका। अंतर्राष्ट्रीय करियर में खेला है 36 टेस्ट, 69 एक दिवसीय और 21 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। 36 टेस्ट में प्रदर्शन इनका 125 विकेट, 279 रन था। 69 एक दिवसीय में जो प्रदर्शन है इनका 102 विकेट और 136 रन। और 20 T21 में जो है 21 जो खेले हैं 27 विकेट लिए हैं और 14 रन बनाए हैं। 3 प्रारूपों में जो है कुल विकेट लिए हैं 354 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 13 अगस्त 2023 को एम आर सत्यनारायण राव का निधन हो गया है, तो ये क्या थे, वैज्ञानिक थे? एम आर सत्यनारायण राव प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे। 13 अगस्त 2023 को निधन हो गया। 2003 से 2013 तक जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCAR ASR बंगलुरु के निदेशक रहे हैं। उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 6 अगस्त 2023 को गुमाद विट्ठल राव का निधन हो गया है। वह क्या थे, तो लोक गायक थे। गुमाद विट्ठल राव प्रसिद्ध तेलुगु लोक गायक थे। 6 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया है। 5 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है, संजय कुमार अग्रवाल को। संजय कुमार अग्रवाल के बारे में जानिए कि भारतीय राजस्व सेवा IRS के वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं और 5 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व वह CBIC के बतौर सदस्य कार्यरत भी थे। CBIC के बारे में जानिए कि यह देश में सीमा शुल्क GST, केंद्रीय शुल्क उत्पाद सेवा कर और नशीले पदार्थों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा भी है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC का नाम बदलकर CBIC कर दिया गया था। 2 अगस्त 2023 को नितिन चंद्रकांत देसाई का निधन हो गया है। या थे, तो कला निदेशक थे। नितिन चंद्रकांत देसाई के बारे में जानिए कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध कला निदेशक थे। 2 अगस्त 2023 को निधन हो गया। उन्हें डॉक्टर साहब अंबेडकर, लगान, हम दिल दे चुके सनम, देवदास फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निदेशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगस्त 2023 में कौन क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया QETCI गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत नाम है उनका। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत के बारे में जानिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रक्षा विशेषज्ञ है। 1 अगस्त 2023 को क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया QETCI गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 2023 में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय उच्चायोग के प्रभारी नियुक्त हुए, तो ये पाकिस्तान में नियुक्त हुए। गीतिका श्रीवास्तव के बारे में जान लीजिए, 2005 बैच की जो है भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी है। और चर्चा में इसलिए है कि 2023 में केंद्र सरकार द्वारा इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त हुई है और आजादी के पश्चात इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला है। 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है, तो वैभव तनेजा को। ये फेमस क्वेश्चन भी है और फेमस पर्सनालिटी भी है। भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि CFO नियुक्त हुए हैं ये टेस्ला मोटर्स। टेस्ला मोटर्स के बारे में जानिए कि यह एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनी है। 2003 में स्थापना हुआ था। ऑस्टिन टेक्सास USA में मुख्यालय इसका, ऑस्टिन में टेक्सास है। जुलाई 2023 में कौन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो प्रोफेसर गणेशन कन्ना बिरन नाम है। प्रोफेसर गणेशन कन्ना बिरन के बारे में जाने प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं NIT त्रिची के प्रोफेसर हैं। चर्चा में क्यों है कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। NAAC के बारे में जानिए कि यह कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों HEI का मूल्यांकन और प्रमाणन करती है। इसकी स्थापना 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में। जुलाई 2023 में कौन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN के नए अध्यक्ष बने हैं, माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है, तो उदय कुमार हिब्बार नाम है इनका। उदय कुमार हिब्बार के बारे में जानिए, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक है। चर्चा में है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए अध्यक्ष बने हैं। इनके साथ ही मनोज कुमार नामबियार YumFin के उपाध्यक्ष बने हैं। YumFin के बारे में जानिए, 2009 में स्थापना हुआ, गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है और 2014 में इसे RBI द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक जो मंडल एवं निर्वाचक संघ में चुनी जाने वाली पहली अमीराती और अरबी महिला कौन थी बनी है, ये तो थुरैया हामिद अल हाशमी नाम है इनका। थुरैया हामिद अल हाशमी UAE के वित्त मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंध और संगठन विभाग के निदेशक है।
जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री रहे हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है? तो कंबोडिया के हुन सेन के बारे में जानिए कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे हैं और जुलाई 2023 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात की, और ये 1985 में इस पद पर कार्यरत थे, 1985 से ही इस पद पर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जुलाई 2023 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम USIDFC का उप मुख्य कार्य नियुक्त कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो निशा देसाई बिस्वाल नाम है इनका। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ हैं, जुलाई 2023 में USIDFC के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो अमित अग्रवाल उनका नाम है, ये पहले भी आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और 11 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा इन्हें UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है, स्थान लिया सुभाष गर्ग जी का। 28 मई 2023 को अंबाती रायडू ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास ले लिया। उन्होंने IPL करियर में कुल कितने मैच खेले हैं? तो 204 मैच खेले हैं। अंबाती रायडू IPL से संन्यास लिए हैं 28 मार्च 2023 को। वर्ष 2010 में इन्होंने IPL में पदार्पण किया और विकेट कीपर बल्लेबाज इनकी खास बात है, और कुल मैच 204 खेले हैं। IPL टीमों की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग 2018 से 2023 तक, मुंबई इंडियंस की बात करें तो 2010 से 2017 तक, ये दोनों में खेले हैं ये अंबाती रायडू, और कुल रन जो बनाए हैं 4348 रन बनाए हैं। तो ये क्विज यहाँ तक समाप्त होता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्विज लाएंगे। थैंक यू।